नमस्कार दोस्तों, आज हो गया 28 अप्रैल। आज के मोस्ट 20 करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, G7 समिति 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका उपयुक्त दोनों, यानी कि गुजरात और कर्नाटक दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। दुबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे, इसका पहले राजधानी थी क्या, कोलंबो। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आरामको। आरामको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मास्टर PDF आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये PDF मात्र आपको 11 रुपये में दिया जा रहा है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे या Paytm करिए और स्क्रीन शॉट इसी नंबर पर भेजिए तो आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगा। इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में SOCHM द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सना मीर। सना मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप में पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, युगांडा की राजधानी कंपाला होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हुआ है, वे किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान। यक्षगान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस या GRFC 2024 जारी की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, FSIN आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चित करू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा या गैलेक्सी में सूर्य के ताप द्रव्यमान से 33 गुना बड़ा एक नया स्लीपिंग जाइंट ब्लैक होल खोजा, इसका नाम बताइए। इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, Gaia BH3। Gaia BH3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड या UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 144.17 करोड़। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ या एवरेज एज या जीवित रहने की संभावना एक्सपेक्टेंसी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पुरुषों की 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष हो जाएगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8%। 8% आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने नए लोगों और आदर्शवाद का अनावरण किया, यह लोगों
किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौर्य प्रताप सिंह। सौर्य प्रताप सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किस कंपनी को वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एच ए एल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।